ये मैंने आज बेसन का सब्जी बनाया है डिफरेंट तरीके से। ये इसका स्वाद बिल्कुल मछली के जैसा लगता है। आज तो चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आशा किचन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बेसन का सब्जी बनाने का रेसिपी दिखा रही हूँ। आप लोग तो बेसन का सब्जी बहुत खाए होंगे, लेकिन मेरा बेसन का सब्जी एक बार टेस्ट करके देखिएगा बना के मेरा बेसन का सब्जी कैसा होता है। ये देखिए, मेरे पास 250 ग्राम का कप है। इस कप में मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है। अब मैं एक तो बर्तन में इसको, ये मेरा बर्तन है, इसमें मैं अपना बेसन डाल दे रही हूँ। अब इसमें ये मैंने छन्नी से छान लिया है बेसन को अच्छी तरह से। अब मैं इसमें हल्दी और नमक ऐड करूँगी। ये देखिए, मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, उसके बाद नमक अपना अकॉर्डिंग डालिए, कम बेसी अपना जितना बनाइए उतना नमक डालिए। मैं अपना अकॉर्डिंग नमक डाल चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने हल्दी नमक ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिला लूँगी। अब जो कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से एक कप पानी ली हूँ। अब इसको धीरे धीरे डालूँगी। ये देखिए, इसका गाढ़ा पेस्ट बनाऊँगी। अब मेरा अच्छे से पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, मेरा कढ़ाई गरम हो गया है। अब मैं ये पेस्ट अपना डाल रही हूँ। पेस्ट डाल दिया। अब इसको ऐसे धीरे धीरे इसको ऐसे ही चलाते रहूँगी। ये देखिए, धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। ये देखिए, मेरा गाढ़ा पेस्ट होने चला है। ये देखिए, मेरा अच्छे से गाढ़ा हो गया। अब इसमें मैं 2 चम्मच तेल ऐड करूँगी। तेल ऐड करके इसको अच्छे से, जैसे हलवा को भुना जाता है वैसे मैं इसको चला चला के भूनूंगी 2 मिनट के लिए। इसको 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहिएगा, तब इसका क्या होता है, इसको पकाने में एकदम फूला फूला और एकदम क्रिस्पी और एकदम स्पॉन्जी इसका सब्जी बन के तैयार होता है। अच्छा, देखिए हो गया है बेसन का। अब इसको मैं एक ठो थाली में फैला दूंगी। मैंने थाली ले लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। तेल डाल के इसको हाथ से पूरा ऐसे फैला लूंगी। देखिए, इसको मैंने अच्छे से फैला लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं सूखने के लिए, कड़ा होने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद इसका पीस बनाऊंगी। पीस बना के इसका सब्जी बनाने का रेसिपी बताऊंगी। ये देखिए, मैंने मसाले लिए हैं अपना बेसन के सब्जी के बनाने के अकॉर्डिंग। देखिए, छोटा चम्मच से 1 चम्मच मैंने गोलकी लिया है, 1 चम्मच छोटा चम्मच से जीरा लिया है, छोटा चम्मच से 2 चम्मच मैंने सरसों लिया है, और वही छोटा चम्मच से 2 चम्मच धनिया लिया है, और इसमें इतना 3 ठो मैं हरा मिर्ची ली हूँ। आप लोग को जो मिर्ची, लाल मिर्ची पसंद है तो वो आप डाल सकते हैं, मैंने हरा डाला है। और ये देखिए, मैंने इतना लहसुन छील लिया है, लहसुन को मैंने लिया है। अब इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, मैंने अपना पीसेस काट लिया है छोटा छोटा, जैसा आपका इच्छा हो वैसा आकार में अपना पीस काट लें। ये देखिए, मैंने अपना गैस ऑन कर लिया है, ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें अपना मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच इसमें डालूंगी कढ़ाई में। कढ़ाई के लो फ्लेम पे रखूंगी मैं। अब मैं अपना ये कटा हुआ पीस इसमें फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ। देखिए, शुरू में थोड़ा सा गैस हाई कर दीजिएगा, उसके बाद फिर लो फ्लेम पर कर दीजिएगा, हाई टू लो फ्लेम पर रखिएगा, और इसको अच्छे से
लाल होने तक फ्राई करिएगा। ये देखिए, ये मेरा देखिए कलर चेंज हो गया है। पहले मैंने डाला था ऐसा कलर नहीं था, अब इसका कलर चेंज हो गया। और थोड़ा सा एक दो मिनट और इसको थोड़ा कलर चेंज होने देंगे, उसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी। और देखिए बचा हुआ मैं इसमें फिर से ऐड करूँगी। देखिए दो मिनट हो गया है, अब मैं इसको थाली में निकाल रही हूँ। देखिए ये, देखिए देखिए ये कितना सुंदर दिखने में लग रहा है, इसका कलर चेंज हो गया है। इसको पूरा देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है तलने के बाद में। देखिए मैं सारा निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए स्पॉन्जी नहीं है, और ये देखिए कितना स्पॉन्जी कुरकुरा हो गया है। ये बच्चा लोग सॉस के साथ पसंद करते हैं। अब मैं देखिए इसमें बचा हुआ ऐड कर रही हूँ, इसको भी वैसे ही फ्राई कर लूँगी मैं। अपना फ्राई कर लिया है, अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं आगे चलिए दिखा रहे हूँ मसाला का प्रोसेसिंग। ये देखिए मैंने इस चम्मच से आधा छोटा चम्मच मेथी डाला है, और इसी से आधा छोटा चम्मच हींग ऐड किया है इसमें। ये देखिए मेरा हींग और मेथी अच्छे से कलर आ गया है। अब देखिए इसमें मैं अपना मसाला ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हींग मेथी का कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसमें अपना मसाला ऐड कर रही हूँ। देखिए ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये देखिए मैंने दो कटा हुआ टमाटर ले लिया है। ये देखिए मैंने दो ठो कटा हुआ टमाटर ले लिया है। ये हल्का थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर देगा, तो मैं टमाटर इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने टमाटर कटा हुआ आपको पहले दिखाई हूँ, अब मैं इसमें टमाटर कटा हुआ ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसको पूरा अच्छे से पकने के लिए पहले तो मैं बेसन का कटा हुआ पीस में नमक डाल चुकी हूँ। अब मैं इसका ग्रेवी के हिसाब से मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप जितना जैसे बनाइए उतना ग्रेवी में अपना स्वाद अनुसार नमक ऐड करिएगा। ये देखिए अब मैं इसको ढक के थोड़ा देर पकाऊंगी तेल छोड़ने तक। ये देखिए मैंने 5 मिनट के लिए ढक के इसको पकने के लिए छोड़ी थी। ये देखिए मेरा ऐसा मसाला हो गया है। देखिए तेल मेरा मसाला छोड़ दिया है, और थोड़ा सा इसको और गाढ़ा पेस्ट होने तक मैं इसको हाई फ्लेम पर भूनूंगी। मेरे मसाला अच्छे से तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसको ग्रेवी के लिए इसमें पानी ऐड करें। देखिए जिस यानी कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से मैंने पानी भी लिया है। ये देखिए इसमें जो बचा हुआ बेसन जो पकौड़ी जब छानते हैं वो बच जाए तो इसमें डाल दीजिए, ग्रेवी गाढ़ा हो जाता है। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास टमाटर है टमाटर तो आप इसमें आम चूरन या नींबू का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं अब ये अपना तला हुआ पीसेस सब इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए देखिए ये मैंने पीसेस ऐड कर दिया। इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकाऊंगी। अब मैं इसको ढक के 2 मिनट पकाऊंगी। देखिए मैंने 2 मिनट के लिए ढक के पकाने के लिए किया था, ये मेरा 2 मिनट हो गया है। ये देखिए मेरा अच्छे से हो गया है दोस्त। ये इसका एकदम टेस्ट मछली के जैसा आता है। ये देखिए मेरा तैयार हो गया, इसका मसाला भी अच्छा गाढ़ा हो गया है। देखिए ये आपको दिखा रही हूँ, देखिए देखिए इसका ग्रेवी है कितना गाढ़ा सुंदर हो गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने अपना बर्तन में निकाल लिया है, अब इसको धनिया पत्ता से गार्निश करूँगी। देखिए ये मैंने ऐसे गार्निश कर लिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों। और ये मेरा
रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।